इस वीडियो में जीके के कुछ क्वेश्चंस डिक्लेयर किए गए हैं जो टिपिकल टाइप के हैं, और ये वीडियो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वन, वार को किस शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया गया है? इसका आंसर होगा यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर टू, रात को मलादिक जिसे आईसीजे ने युद्ध अपराध का दोषी माना है किस देश से संबंधित है? आंसर बोस्निया। क्वेश्चन नंबर थ्री, मॉस्को घोषणा पत्र का क्या विषय है? आंसर वर्ष 2030 तक एचआईवी संक्रमण से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर फोर, 27वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? आंसर ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, किसे वर्ष 2017 का नौशाद सम्मान दिया गया? आंसर है हेमा मालिनी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता श्री परियोजना के तहत वित्तीय सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर सेवन, हैदराबाद तेलंगाना स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी द्वारा किस धान प्रजाति का विकास किया गया है? आंसर है सांबा मंसूरी। क्वेश्चन नंबर एट, 12वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन तथा 15वें अभियान भारत सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2017 में कहाँ किया गया? आंसर है मनीला, फिलीपीन। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत ने किस देश के साथ 14 दिसंबर 2017 को जल संसाधन सड़क निर्माण तथा समुद्री क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 10, रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों की 15वीं त्रिपक्षीय बैठक 11 दिसंबर 2017 को कहाँ आयोजित की गई? आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सामाजिक ऑडिट कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12, सैप सिटी सर्विलांस स्कीम 12 दिसंबर 2017 को किस राज्य में आरंभ किया गया है? आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने पहली बार हिंदी देवनागरी लिपि में ईमेल पता जारी किया है? आंसर है राजस्थान। तो इस प्रकार इस वीडियो में कुछ जीके के क्लियर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।